नमस्कार, गौरव गाथा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी बोला जाता है। 4 जून 1825 में नवसारी में गुजराती भाषी पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। 4 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उनका जो बचपन था वो थोड़ा निर्धनता में बीता, लेकिन इन्होंने डट के पढ़ाई की और पढ़ाई में बहुत ही अच्छे रहे। 1854 में सबसे पहला जो मतलब इनकी जो बात आती है और जो हम लोग करते हैं सिलसिलेवार, उसमें एक इन्होंने गुजराती भाषा में एक पाक्षिक निकाला, राष्ट्र गोफ्तार। ये लास्ट तक इसका संपादक करते रहे और ये बहुत ही पॉपुलर गुजराती पाक्षिक था। 1855 में बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में इनको गणित और दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किए गए। अब एक तरफ आप खुद सोचिए, एक तरफ गणित और एक तरफ दर्शन शास्त्र, इतने डाइवर्स विषयों में भी इनकी महारत थी और इसीलिए इनको एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में इसका प्रोफेसर बनाया गया। और ये पहले भारतीय थे जो किसी मतलब किसी एल्फिंस्टन किसी कॉलेज में एकेडमिक पद पे रहे थे। लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम में तो बहुत थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई मतलब प्रोफेसर के तौर पे पहले भारतीय इस तरह के नियुक्त हुए। उसके बाद इन्होंने 1855 में ही ये लिवरपूल में जाके, इंग्लैंड में जाके, ये पहले भारतीय फिर बन गए जिन्होंने एक भारतीय कंपनी की स्थापना की। वो 3-4 साल चलाया। उसके बाद इंग्लैंड में ही 1859 में इन्होंने कपास की एक ट्रेडिंग कंपनी डाली जिसका नाम दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी की स्थापना की। इनका जो यूरोप में भी, ये हिंदुस्तान में भी बहुत रहे हैं, यूरोप में भी बात रहे हैं। और 1861 में इन्होंने द ज़ोरास्ट्रियन ट्रस्ट फंड ऑफ यूरोप, इन्होंने बहुत से केंद्र, बहुत से ट्रस्ट, बहुत से आंदोलन को शुरुआत की है। उसमें से 1861 में द ज़ोरास्ट्रियन ट्रस्ट फंड ऑफ यूरोप की स्थापना इन्होंने इंग्लैंड में की थी। 1865 में ये लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने वहां की और वहां के लोकल्स के बीच में जो हिंदुस्तानी थे उनको एक जगह इकट्ठा करके देश की बात, देश की आजादी की, इस तरह की बातें ये करने लगे थे। 1867 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और इसका मुख्य ध्येय जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, क्योंकि उस समय तक लंदन में कुछ ऐसी सोसाइटीज ऑलरेडी हो गई थी जो भारत में अंग्रेजी राज्य को सही ठहरा रही थी और यहां के बारे में बहुत सी गलत बयानी, गलत बातें का प्रचार कर रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये 1869 में ये भारत वापस आ गए और ऐसा लिखा है कई जगह कि जब ये भारत वापस आए तो इनको सम्मान पत्र के साथ साथ 1869 में 30,000 रुपए की एक थैली भी दी गई। 1869 में 30,000 रुपए आज के 300 करोड़ के बराबर, के 30 करोड़ के बराबर, ये अनुमान करना मुश्किल है, लेकिन उस समय इनको 30,000 रुपए की थैली दी गई थी। फिर बाद में ये 1874 में बड़ौदा राज्य में एस दीवान, कुछ लोग उसको प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, इनकी नियुक्ति हो गई। फिर ये 1885 से 1888 तक ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे की जो समय की विधान परिषद थी उसके मेंबर चुन लिए गए। फिर समय बीता रहा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके पहले अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए। दादा भाई नौरोजी 1886 में कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। 1886 में एक चीज और हुई कि होलबॉर्न इंग्लैंड में जाके इन्होंने होलबॉर्न कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। फिर ये 1893 में ये फिर से एक बार कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने, मतलब एक बार 1886 में, फिर 1893 में। 1892 में ये इंग्लैंड के जनरल इलेक्शन में फिन्सबरी से लिबरल पार्टी के टिकट पे वहां के एमपी हो गए थे और ये पहले ब्रिटिश इंडियन एमपी थे और इन्होंने उस समय वहां पे भारत की दशा पे इन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में काफी भाषण दिया। और इनका ये जो चुनाव था ये इसलिए भी याद रखा जाता है कि ये 5 वोट से ही जीते थे। 92 से 95 तक ये 3-4 साल एमपी रहे और उसी दौरान ये हिंदुस्तान के, ये भी जानने योग बात है कि 1893 में उसी दौरान ये हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। 1901 में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आई, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल, इन्होंने उसमें जो हम लोगों के साथ
भारत के साथ जाति कर रहे थे उन सब की चर्चा बहुत डिटेल में की। दादाभाई नौरोजी 1906 में फिर तीसरी बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादाभाई नौरोजी के जो मुख्य लोग थे, जो इनके शिष्य कह लीजिए या जो इनके बताए हुए रास्ते से इनसे मार्गदर्शन लेते रहते थे, उसमें गोखले, तिलक और महात्मा गांधी का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस समय के। हालांकि कांग्रेस के जो भी लीडरशिप थी वो इनसे लगातार संपर्क में रहती थी। हालांकि इनकी 11 वर्ष की आयु में इनकी गुलाबी देवी से शादी हो गई थी। इनका जो एक उस समय जब आजादी की लड़ाई अभी शुरू हुई थी और कांग्रेस नई नई स्थापित हुई थी, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें इन्होंने बार बार ये प्रूफ किया था कि ब्रिटिशर्स किस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले जाके ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। उसके उन्होंने 6 कारण बताए थे, जो आप कभी भी देखिएगा तो कारण क्या क्या थे और क्यों ये ले जा रहे हैं। और इसी दौरान इन्होंने वो बुक भी लिखी थी पॉवर्टी के ऊपर। और इनके एस्टिमेट के अनुसार 200 से 300 मिलियन पाउंड हिंदुस्तान से ब्रिटिशर्स अंग्रेज यहां से ले जाके इंग्लैंड यहां की दौलत ले गए थे। 30 जून 1917 को करीब 92 वर्ष की आयु में बंबई में इनका देहांत हो गया था। दादाभाई नौरोजी के नाम पे बंबई में सड़क है, दादाभाई नौरोजी के नाम पे कराची में, पाकिस्तान में भी सड़क है, क्योंकि उस समय साझा एक देश हुआ करता था और उनको पाकिस्तान भी एक्नॉलेज करता है कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और फिंसबेरी में जहां से एमपी थे वहां पे भी दादाभाई नौरोजी के नाम से एक रोड है। इनकी पौत्री उसके बाद परीन और खुर्शीद बेन फ्रीडम स्ट्रगल, जो देश का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें आई, 1930 में खुर्शीद बेन गिरफ्तार भी हुई थी। 1894 में गांधी जी ने एक पत्र लिखा था दादाभाई नौरोजी को, और उसमें उन्होंने लिखा था कि द इंडियन लुक अप टू यू एज चिल्ड्रन टू द फादर, सच इज रियली द फीलिंग हियर। उन्होंने ये बताया था कि देश जो है इस समय आपको एक पिता के तौर पर देखता है, आपसे मार्गदर्शन चाहता है। मैं एक बात चलते चलते और बता दूं कि इनके बहुत घनिष्ठ संबंध तिलक से भी थे और जिन्ना से भी थे। तिलक तो इनके साथ एक मुकदमे की पैरवी में लंदन तक गए थे, और हिंदुस्तान में भी इनके जो मुकदमे होते थे उसको जिन्ना काफी उसमें इनका सहयोग करते थे। एक चलते चलते एक और आपको बात बता दूं कि 1906 में जब ये कांग्रेस के तीसरी बार अध्यक्ष बने, तो मेरी जानकारी के अनुसार स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में किया था। दादाभाई नौरोजी जैसे तमाम लोग हैं जो आज इस देश की आजादी की नींव के पत्थर हैं, हम उनको एक बार फिर से नमन करते हैं। धन्यवाद।